देखिए जो हुआ है, जो इंसिडेंट घटना घटा है, आपको हमने बता दिया तारीख जो है 16-24 को बीच में हुआ है। इसके बाद हम लोग ने जो है इसको FIR दिया है 28 को, लेकिन अभी तो कोई इसे ग्रिप में नहीं आया, कोई बुक नहीं हुआ है अभी तक। इसके लिए हम लोग जो है इसका ये रिले हम लोग आज कैंडल मार्च पीसफुली कैंडल मार्च आज किया है। आप लोगों का कम्युनिटी के बीच में काफ़ी डिस्कशन चला गया, तो डिस्कशन का क्या नतीजा निकला? अभी तक जो है हम लोग जो है हम लोग ये है बहुत बहुत डिस्कशन किए हैं, तो डिस्कशन क्या करेंगे? आप जानते हैं इसी मतलब जो हमारा जो मंदिर है जला दिया, तो अब डिस्कशन क्या हो सकता है? उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हमारा जो है भारत के इतिहास में भी आज तक ऐसे मंदिर जला हमने कभी सुना नहीं। मेरा जो उम्र है अभी 58 ईयर्स, आज तक हमने नहीं सुना है ये घटना हमारा बुद्धिस्ट लोगों के साथ में हुआ है। सर, ये जो आपका गोम्पा मंदिर बना है सर, डिस्प्यूट वगैरह में तो नहीं था ना सर? इसमें जो है हम लोग जो है अभी बहुत मोर देन 200 ईयर्स उस जगह में हम लोग जो जाते थे, जाता है अभी भी और भी जाएंगे। तो जिस जगह में हम लोग जो मंदिर बना है तो अपना ही जगह में बनेगा ना, दूसरा जगह में तो नहीं बनेगा। सर, ये गोम्पा जो कहाँ पे है जी, आपका ये जो गोम्पा जो डिस्प्यूट हुआ है ना बेंदला जो, वो कहाँ पे है? ये जो है ऑफकोर्स टूटिंग में नहीं, वो जो है हमारा ये टूटिंग सब डिवीजन के अंदर आता है, लेकिन वो जो है सिंगर सर्कुल, एक सिंगर सर्कुल है, वहाँ से जो हम पैदल जाएंगे वहाँ में जो है आपका जो सेक्टर है वो एक दिन में कवर करता है। जो नए सेक्टर है बूढ़ी बूढ़ा जो बच्चा है तीर्थ स्थान में जो अपना लूट बुक की जाता है, तो उसमें जो है आपको एक दिन आधा लगता है फुट मार्च। आपको एक्चुअली लगता क्या है कि ऐसा जलाने का क्या मकसद रहा होगा? ऐसा कोई धार्मिक स्थान को क्यों ऐसा जलाएगा? यही तो बात है। अब वो कौन लोग हैं, वो सब क्लियर पिक्चर है जो आपको हमने बता दिया, जो इंसिडेंट हुआ है, जो अभी ये किसी के साथ नहीं, ये हम किसी ये आदि कम्युनिटी सभी को मैं नहीं बोलता हूँ। ये जो है पर्टिकुलरली जो सिमोंग ब्लेस यही जो है क्लेम करता है, और हम लोग को इस तरह से ये मतलब जो ये घटना को घटने यही कारण है। क्या आप लोगों को पक्का यकीन है कि वो गांव से ही कोई आदमी आके चलाया? देखिए 5 सितंबर को एक हम लोग को एक चिन्मयसंग वेलफेयर सोसाइटी को एक नोटिस आया है। ये नोटिस आप गांव बुरा का नाम है, इसमें क्लियरली लिखा है, इसमें क्लियरली दिया गया है ये जगह मेरा है, और अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग ने गोम्पा बनाया है, तो अल्टीमेटम दिया 30 सितंबर तक, अदरवाइज हम लोग उसको तोड़ देंगे या उसको डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो आप हम किसके ऊपर बोलेंगे? आप पूछिए, आप लोग पूछिए, ये किसको बोलेंगे अभी? ये आप पूछिए, LPC पूछिए, जिस जगह में नांगा पहाड़ है 12 महीना जो है बर्फ कवर करके रखता है। अब सुनिए मेरा बात 12 महीना जो है बर्फ कवर करके रखता है। इसके बाद में वो जो है मुश्किल से जुलाई मिडिल से अक्टूबर तक होता है, तो उसका क्या LPC का क्या सवाल होता है? वो हमें क्या खेती बाती होगा? अब जो भी हो वो जो जैसे हुआ है अभी जो अब जो है आप जो अभी सवाल किया मुझे कि LPC, जहाँ तक कि मुझे जो ज्ञान है तो उस जगह में कोई LPC का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज से जो हमारा 10 दिन हो गया, हम जहाँ हम लोग ने FIR दे के 28 तारीख को दिया, हम लोग ने जो अल्टीमेटम भी दिए थे कि ये 30 मतलब अरेस्ट हो जाने चाहिए या कल्प्रिट को फाइंड आउट करना चाहिए, जो 28 का जो अभी तो करीब 10 दिन हो गया, ठीक है अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो कहीं कहीं ना ऐसे लगता है ये प्रशासन का जो है ये फेलर है, हम देख रहे हैं आपने कि हम लोग जो है 15 तारीख तक हम लोग उस स्थान में जाएंगे, लेकिन हम बुजुर्ग लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग जवान भेजेंगे, जवान लोग बहुत गुस्सा है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। तो आप सोचिए अब वो लोग कौन हो सकता है? हम आपसे पूछते हैं, आप लोग से पूछते हैं। तो पुलिस को ये सब चीज़ को बता देने से ठीक था, शायद आप लोग बताने में देरी किया क्या? बिल्कुल, पुलिस क्या मालूम नहीं होगा, सब बता चुका है, पुलिस मालूम है, प्रशासन मालूम है, सब कुछ को बता दिया, बावजूद अभी यही जो है नतीजा अभी तक नहीं निकला।